दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। यहाँ पर परिभाषाएं, सोच और चीजें समय और स्थान के हिसाब से बदलती रहती हैं। 2006 से पहले हम 9 ग्रहों के बारे में जानते थे, इनके बारे में पढ़ते थे और इनके बारे में रिसर्च भी करते थे, और सौरमंडल में भी 9 ग्रह ही थे। फिर साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और ग्रह और शुद्र ग्रह की अलग अलग परिभाषाएं लिखी गई, और इस नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया और हमारे सौरमंडल में रह गए सिर्फ 8 ग्रह। लेकिन 2016 में एक बार फिर 9वें ग्रह का जिक्र आया और एक बार फिर 9वें ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई। पर यह बहस प्लूटो को लेकर नहीं थी, बल्कि बहस एक और ग्रह के बारे में थी जिसे कहा जाता है प्लैनेट 9। सौरमंडल की बाहरी ओर प्लैनेट 9 है या नहीं, यह एक स्टडी में दावा किया गया है। सौरमंडल की बाहरी ओर प्लैनेट 9 है या नहीं, एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि सवाल का जवाब मिल गया है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक लंबे समय से पहले बना हुआ प्लैनेट 9 असल में एक भ्रम है और हो सकता है कि ऐसा कोई ग्रह हो ही ना। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने इस सुपर अर्थ जैसे ग्रह की मौजूदगी के सबूत खोजने के लिए सौरमंडल के कई सर्वे देखे और उनके आधार पर यह नतीजा पाया है। प्लैनेट 9 की थ्योरी 2016 में चर्चित हुई थी जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स ने वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह की कक्षा के अंदर और बाहर क्लस्टर में मौजूद कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स को बड़े ग्रह की संभावना के साथ जोड़ा था। इस ग्रह को प्लैनेट 9 नाम दिया गया था। माना जाता है कि यह धरती से 10 गुना बड़ा है और सूरज से 400 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, लेकिन आज तक इसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल में प्लैनेट 9 के होने के दावे करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि दूर ही सही सौरमंडल में एक और ग्रह यानी प्लैनेट 9 मौजूद है जो हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों को सौरमंडल के इस हिस्से में किसी लार्ज बॉडी के होने के कई सबूत मिले हैं, पर अभी तक उन्हें इस ग्रह या स्पेस बॉडी के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए सिरे से स्पेस बॉडी या स्पेस स्ट्रक्चर का अध्ययन करना शुरू किया, और अब उनका कहना है कि यह जरूरी नहीं कि यह स्पेस स्ट्रक्चर कोई ग्रह ही हो। उनके अनुसार यह कोई बादल ही या फिर छोटा ब्लैक होल भी हो सकता है जो हमारे सौरमंडल के एक कोने में मौजूद है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है प्लैनेट 9 और ये मौजूद कहाँ है। क्या प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता? अगर ये दिखाई नहीं देता तो इसको किसने देखा है, और लंबे समय से प्लैनेट 9 की खोज में क्यों लगे हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिकों ने क्यों जताई है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की संभावना? ये किस तरह का ब्लैक होल होता है, कितना विशाल और कहाँ मौजूद हो सकता है ये प्लैनेट 9 हमारे सौरमंडल में, और क्या है इसका प्रभाव हमारे सौरमंडल पर? कैसे खोजा गया है या फिर इसकी संभावना बताई गई है या फिर इसे कैसे खोजा जा सकता है? खगोल वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि हमारे सौरमंडल में नेपच्यून ग्रह से परे एक और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह को कोई देख नहीं पाया, इसलिए हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल वगैरह की तरह पारंपरिक ग्रह न होकर कुछ और हो। इससे पहले कुछ इसे प्लैनेट 9 तो कुछ प्लैनेट एक्स कह रहे हैं। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक कारण यह भी हो सकता है कि इस 9वें ग्रह को अब तक के सबसे उन्नत दूरबीन यानी टेलीस्कोप से भी इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह ग्रह न होकर एक ब्लैक होल हो। दरअसल ब्लैक होल अत्यधिक मास तथा डेंसिटी वाले ऐसे स्पेस बॉडीज होते हैं जो आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, मगर इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इसके चुंगल से प्रकाश की किरणें भी बचकर नहीं निकल सकती, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को भी अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमारे लिए हमेशा इनविजिबल बना रहता है। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि घोर अंधेरे कमरे में एक बहुत ही काले रंग की अगर चीज को रख दिया जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल वैसा ही इस ग्रह को ढूंढना है। खगोल वैज्ञानिकों को एक अरसे से ऐसा लग रहा है जहां से हमारा सौरमंडल शुरू होता कहा जा सकता है। एक ऐसा विशाल पिंड होना चाहिए जिसका मास हमारी पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज्यादा है। उसे अभी देखा नहीं गया है, लेकिन खगोलीय गणनाएं यही इशारा करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा से परे ऊट क्लाउड से होकर गुजर रहे धूमकेतु जिस तरह सौरमंडल की सीमा के भीतर खींचे चले आते हैं, उससे यही लगता है कि वहां हमारी पृथ्वी से भी शक्तिशाली कोई विशाल पिंड होना चाहिए। वे अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इन धूमकेतुओं को अपने रास्ते से विचलित कर रहा है। एक डच वैज्ञानिक यॉन हेनरिक ऊट ने 1950 में इस बादल के होने की संभावना जताई थी। हिसाब लगाया गया है कि यह बादल सौरमंडल की बाहरी सीमा से पूरे 1.6 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। वैज्ञानिकों ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की भी संभावना जताई है।
इंग्लैंड के डरहम यूनिवर्सिटी के जैकब शोल्टर्स और शिकागो की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के जेम्स एनविन ने हाल ही में एक नया सिद्धांत प्रस्तावित किया है कि प्लैनेट 9 या प्लैनेट एक्स एक प्राचीन ब्लैक होल है, यानी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक मास वाले तारे की हाइड्रोजन और हीलियम रूपी ईंधन खत्म हो जाता है, तब उन्हें फैलाकर रखने वाली ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर अत्यधिक सघन पिंड ब्लैक होल बन जाते हैं। आमतौर पर ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल इन्हीं भारी भरकम खगोलीय पिंडों के लिए करते हैं, मगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों की मान्यता ये है कि इनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग के समय में हुआ होगा और ये ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे होते हैं। स्टीफन हॉकिंग का ऐसा मानना था कि इन ब्लैक होलों के अध्ययन से ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्थाओं के बारे में पता लगा जा सकता है। अब ये कितना विशाल है और कहां पर मौजूद है? हालिया शोध के अनुसार इस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ने सौरमंडल के बड़े ग्रहों की कक्षाओं को सूर्य के सापेक्ष 6 डिग्री तक झुका दिया है। इस ब्लैक होल की कक्षा काफी चपटी है, ये वर्तमान में अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी के आसपास है। इसका ऑर्बिटिंग पीरियड 20,000 वर्ष का होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने आकाश में 20 डिग्री गुना अर्थात 400 वर्ग डिग्री का एक क्षेत्र चिन्हित किया है जिसके भीतर ये मौजूद हो सकता है। कंप्यूटर गणनाओं से ये पता चला है कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हुए हर 3 करोड़ वर्षों पर धूमकेतु वाले ऊंट बादल में उथल पुथल मचा देता है। कैसे इसे खोजा जा सकता है? बहरहाल अगर प्लैनेट 9 वास्तव में एक ब्लैक होल होता है तो इसे खोजना किसी ग्रह के खोजने से ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ब्लैक होल के आसपास का प्रभा मंडल उच्च ऊर्जा फोटोन को प्रसारित करेगा और यह एक्सरे और गामा किरणों के रूप में दिखाई देगा जिससे इसकी मौजूदगी की पुष्टि की जा सकती है, मगर इसे हम बाकी ग्रहों की तरह देख नहीं सकते। हम इसके सरफेस की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हो अभी इसके बारे में और जानना बाकी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या आपके अनुसार नौवां ग्रह ब्लैक होल है या फिर ये बस एक भ्रम है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।